भारत की यही संस्कृति मैं है। आमंत्रित करूंगा सत्य के ऊपर असत्य एक मिनट के लिए किसी भी प्रकार से हा विनोपा है और सत्य की विजय हो ये भगवान श्री राम ने उपदेश दिया था। धर्म की विजय हो धर्म सृष्टि के अंदर रहे ये भगवान कृष्ण जी का उपदेश रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है जन्म दिवस है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के आम नागरिक के अधिकारों का अगर उसको उपयोग मिलते हुए पूरा हक उसको मिल जाए उसको धर्म कहते हैं। बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों का शोषण ना किया जाए उसको धर्म कहते हैं। बड़े लोगों के द्वारा छोटों का शोषण किया उसको अधर्म कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले यही संदेश दिया था जनधन योजना लागू करके कि आम आदमी को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए और धर्म स्थापित रहना चाहिए। शायद भगवान कृष्ण जी ने उनको इसी कार्य के लिए भेजा था जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो निश्चित रूप से आज साउथ दिल्ली के अंदर लगभग 80 से 90 जगह इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और ये संदेश ले रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म के ऊपर विश्वास करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए, कर्म सर्वोपरि है, ये संदेश देकर जाएगा और तभी धर्म की विजय होती रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ हमारे हिंदू रह रहे हैं इस कार्यक्रम को इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और खासकर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने घरों में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाकर इसका एंजॉय। Thank you.